नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के सियासी रण में अब मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में डिंपल यादव की बेटी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। मैनपुरी लोकसभा सीट से अपनी मां को चुनाव जिताने के लिए डिंपल यादव की बेटी अदिति भी चुनावी अभियान में जुट गई हैं। आपको बता दें कि डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही हैं और वो अभी छुट्टियों पर अपने घर आई हुई हैं। अदिति को देखने के लिए वोटर्स उत्साहित हैं। बेटी अदिति यादव के साथ डिंपल यादव भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे। बात यहां से शुरू करते हैं। उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां लगेंगी युवाओं की हर प्रति वर्ष। उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो है बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, जहाँ कहा गया था कि जो बिजली की व्यवस्थाएं में सुधार लाया जाएगा, जहां कहा गया था कि आवारा पशुओं की जो परेशानियां हैं जिससे हमारा किसान त्रस्त है आज, उसमें भी सुधार किया जाएगा, उन परेशानियों को हटाया जाएगा। कहीं ना कहीं यह सरकार जो जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन प्रदेशों में लोगों का समर्थन उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिल रहा है लगातार।